आज इस वीडियो में हम द मोस्ट एक्सपेंसिव फोन मी मिक्स अल्फा के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नासिर है और आप देख रहे हैं एबी ब्लॉग। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है मी मिक्स अल्फा। ये दिखने में काफ़ी फ्यूचरिस्टिक और प्रीमियम लगता है। ये शियाओमी का लेटेस्ट कॉन्सेप्ट फ़ोन है और यह काफ़ी माइंड ब्लोइंग डिवाइस है। शियाओमी की जो मिक्स सीरीज रहती है वो और फोन से काफ़ी हट कर रहती है। जैसे कि 4 साल पहले जो शियाओमी का पहला मिक्स सीरीज का फ़ोन आया था, मी मिक्स ओरिजिनल जो मी मिक्स आया था, तो उसमें आपने देखा होगा कि बेजल बिल्कुल भी नहीं थी ऊपर साइड के, जो कि और फोन से काफ़ी हट कर था, एकदम यूनिक फ़ोन लगता था उस टाइम। तो अभी जो ये मी मिक्स का चौथा फ़ोन जो रिलीज़ करने जा रहा है, अभी कॉन्सेप्ट में है, मतलब अभी रिलीज़ तो हुआ नहीं है बट फ्यूचर में शायद हमें देखने को मिले। इस फ़ोन में बस स्क्रीन ही स्क्रीन दिखेगी, मतलब आगे भी पीछे भी साइड में जो एजेस हैं वो भी पूरी डिस्प्ले के साथ आती है। जो इसका सराउंड डिस्प्ले है जो रैप किया हुआ है वो काफ़ी कूल लगता है। यह फ़ोन 180.6 स्क्रीन टू बॉडी रेशो के साथ आता है। जैसे नॉर्मली फ़ोन रहता है 90 या 92% तक आते हैं स्क्रीन टू बॉडी रेशो, बट ये जो है 180.6, मतलब ऑलमोस्ट स्क्रीन स्क्रीन पूरी है। खाली बैक साइड में जो पट्टी दी गई है उसमें 3 कैमरा दिया गया है और ऊपर और नीचे साइड में जो फ्रेम है वो टाइटेनियम का फ्रेम दिया गया है। बाकी फुल जो है वो पूरा डिस्प्ले ही है फ़ोन, मतलब एकदम यूनिक एकदम माइंड ब्लोइंग फ़ोन लगता है ये। फ़ोन के स्पेक्स की बात करें तो जो सबसे हाईलाइट फीचर है वो है इसका शानदार डिस्प्ले। फ़ोन में 7.92 इंचेस का ओलेड 4D सराउंड डिस्प्ले दिया गया है, जिसके आगे कर्व डिस्प्ले और वाटरफॉल डिस्प्ले भी फीके नज़र आते हैं। कैमरे की बात करें तो फ़ोन में जो बैक साइड में पट्टी दी गई है उसमें हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है। जो मेन सेंसर है वो 108 मेगापिक्सल का है 1.7 अपर्चर के साथ। उसके अलावा हमें 20 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड वाला और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है। सेल्फी के लिए जो रियर कैमरा है उसी को आप सेल्फी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि 108 मेगापिक्सल की सेल्फी होने वाली है इस फ़ोन में। बस फ्लिप कीजिए और आराम से इस कैमरे की मदद से आप अपने फ़ोटो खींच सकते हैं। उसके साथ साथ सेल्फी के लिए आप अल्ट्रा वाइड वाला और टेलीफोटो दोनों वो भी लेंस यूज़ कर सकते हैं, तो मतलब सेल्फी ज़बरदस्त होने वाली है इस फ़ोन में। फ़ोन में स्नैपड्रैगन 855 प्लस का प्रोसेसर दिया गया है जो कि 5G एनेबल है। उसके अलावा 12 GB की रैम और 512 GB का रोम दिया गया है जो कि USF 3.1 टेक्नोलॉजी के साथ आता है। फ़ोन में 4050 mAh की लिथियम आयन बैटरी दी गई है और फ़ोन 40W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। फ़ोन की चार्जिंग का जो एनिमेशन है वो काफ़ी कूल लगता है दिखने में। इस फ़ोन में वॉल्यूम अप और डाउन के लिए कोई भी फिजिकल बटन नहीं दी गई है, बल्कि प्रेशर सेंसर्स का यूज़ किया गया है जिससे आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरे साइड में आप टाइम वगैरह और नोटिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं। अब बात करते हैं फ़ोन के ड्यूरेबिलिटी की कि फ़ोन कितना मजबूत है। तो ड्यूरेबिलिटी के लिए फ़ोन में टाइटेनियम फ्रेम दिया गया है, उसके साथ सफ़ायर ग्लास की स्ट्राइप दी गई है। स्पीकर के लिए फ़ोन में फ्यूचरिस्टिक स्क्रीन साउंड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है जिसमें स्क्रीन से वाइब्रेशन के थ्रू साउंड मिलता है। तो ये काफ़ी फीचर फ़ोन में हैं और काफ़ी यूनिक, मतलब इसकी डिज़ाइन ही काफ़ी यूनिक है, काफ़ी कूल लगती है। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो इसकी प्राइसिंग जो निकल के आई है, अभी तो फ़ोन लॉन्च हुआ नहीं है, अभी तो कॉन्सेप्ट फ़ोन ही है। अब देखते हैं इंडिया में लॉन्च होता भी है या नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि इंडिया में लॉन्च होगा क्योंकि ये काफ़ी महंगा फ़ोन है। अभी जो इसकी प्राइस निकल के आ रही है वो है 20,000 युआन, मतलब कि इंडिया का 2 लाख रुपये। और जब ये इंडिया में अगर रिलीज़ होता भी है तो इंडिया में आने के बाद काफ़ी सारे टैक्स लगेंगे, उसके बाद इसकी प्राइस 2.5 लाख तक हो जाएगी। तो देखते हैं कि लॉन्च होता है या नहीं होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।